है भी ना, पता नहीं कहाँ चले गए। उन्हें पता है कि उन्हें देखे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उनसे बात हो जाना तो मुझे। सही कहते हैं लोग, दिल को दिल की राह होती है। बस मेरा मन ही कर रहा था शिवाय से बात करने को, उनका फोन आ गया। शिवाय पता है अभी मैं आपको, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। शिवाय क्या हो गया, सब कुछ ठीक है? हाँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। जैसा कि तुम जानती हो, मैंने घर में सबको बोला था कि कल्याणी मिल्स मेमोरियल में वो आदमी भी आने वाला है जो मुझे बताएगा कि कल्याणी मिल्स में उस रात हुआ क्या था। लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस इवेंट में नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं गायब रहा तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, और अगर सच में वो लोग कुछ छुपा रहे हैं तो घबरा के रिएक्ट करेंगे। देन आई विल कन्फ्रंट देम। शिवाय प्लान अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं वहां नहीं होऊंगा तो मेरा काम तुम्हें करना होगा। यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग ऑलराइट, और सब पे नजर भी रखनी होगी। डोंट वरी, हम फोन पे कनेक्टेड रहेंगे ऑलराइट? ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो अनिका, अपना भी ध्यान रखोगी और खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालोगी, ओके? तुम्हें सिर्फ नजर रखनी है, दैट्स इट। समझ गई ना? मैं समझ गई। गुड, टेक केयर और सो जाओ बाबा। गुड नाइट। शिवाय आप ही अपना ध्यान रखिए। I don't understand. शिवाय ने मेमोरियल ऑर्गेनाइज किया है और वो खुद गायब है यहाँ से। और जबकि शिवाय ने हमसे भी कहा था कि इसी मेमोरियल में कोई ना कोई उसे इस रात के बारे में बताएगा। और अगर ऐसा हो गया ना तो हम सबकी यहाँ पर। प्लीज, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है पिंकी। कहीं ऐसा तो नहीं उस आदमी ने शिवाय को वो राज बता दिया? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शिवाय अब तक चुप नहीं बैठता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन हमें एक बात का खास ख्याल रखना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस राज के बारे में शिवाय को कुछ नहीं बताऊंगा। एंड फॉर दैट वी हैव टू ऑल बी अलर्ट। अगर किसी भी आदमी पे सस्पिशन हो या कोई भी बहुत उतावला हो रहा हो शिवाय से बात करने के लिए, हमें उसे रोकना होगा। पता नहीं कौन है जो 25 साल बाद भी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे। वो भी हो, हमें पता लगाना होगा। ओके, हम सबको सब पे नजर रखनी होगी। इन लोगों के चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हुई हैं? पक्का ये लोग उसी राज के बारे में बात कर रहे हैं। जाके पता लगाती हूँ क्या बात कर रहे हैं। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। हम बस यहाँ अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अनिका, वैसे शिवाय कहाँ है? उसे तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं आंटी, आपको तो पता है ना कहाँ मुझे कुछ बताते हैं। हाँ जेठानी जी, अब शिवाय के बारे में इसे कहाँ पता होगा? वो तो शिवाय की नई बीवी तान्या को पता होगा ना। तो ऐसी बात है, मैं जरा केटरिंग के अरेंजमेंट्स दिखाती हूँ। हम सब एक साथ यहाँ रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स ऑल डिस्पर्स। अगर किसी को भी किसी पे शक हुआ तो एक दूसरे को इन्फॉर्म जरूर करना। कुछ तो झोल है, सब बहुत परेशान लग रहे हैं और अपनी परेशानी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शिवाय ने मुझे कहा इन पे नजर रखने के लिए, मुझे वही करना चाहिए। नमस्ते। सॉरी, मुझे ये सब की आदत नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहूँगी, स्वागत करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे आए। और सॉरी, शिवाय यहाँ नहीं है आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन आपके जो भी सवाल होंगे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैम, क्या आप बता सकते हैं ओबेरॉय फैमिली ने ये मेमोरियल क्यों ऑर्गेनाइज किया है? जैसे आप जानते हैं कि 25 साल पहले कल्याणी मिल्स में आग लगी थी,
तो ये मेमोरियल हमने उन्हीं लोगों के लिए रखा है जिन्होंने उस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। बस इस मेमोरियल के जरिए हमारी कोशिश है कि हम थोड़े से पैसे इकट्ठे कर सकें ताकि उन बेचारों की फैमिलीज की और थोड़ी सी मदद हो जाए, यही हमारा प्लान है। मैडम, लेकिन मिस्टर शिवा सिंह ओबेरॉय गए अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने के बावजूद वो कुछ नजर नहीं आए। वो बस थोड़े काम में फंसे हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो बस आते ही होंगे। शिवाय के एब्सेंस में अनिका सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। अनिका की तारीफ में कसीदे बाद में पढ़िएगा जीत जी, पहले उस आदमी को ढूंढिए जो ये सब कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो आदमी मेरी जीप में है जिसमें जानबूझ कर मैंने उसे वहां छुपाया है? स्ट्रांग विद यू। प्लीज गाइस, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। एक सेकंड, इससे पहले वो आदमी शिवा तक पहुंचे हमें उस आदमी तक पहुंचना होगा। एग्जैक्टली, और यहां खड़े खड़े कुछ नहीं होने वाला, जाओ ढूंढो उसे, कम ऑन। लेकिन भाई साहब, इतने सारे लोगों के बीच में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? सारे मेहमानों का ध्यान रख लेना, उन्हें जो कुछ भी चाहिए, जूस, कॉफी, चाय, जो कुछ भी सब दे देना, स्नैक्स भी। हाँ जी मैम। चाहिए हेलो शिवाय। हाँ, मैंने प्रेस वालों से बात कर ली है और मैं सब पे नजर भी रख रही हूँ। अभी तक सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपको बता दूंगी, फोन करूंगी। बाय।